एकता तो वड्डी होई होर जरूरत नहीं है। जिस हालात विच पंजाब अते पंथ गुजर रहा है, लीडरशिप का तो जिवें अकाल पिया होया ही है, बेभरोसगी जिहड़ी है साडी वो भी बहुत चरम ते पहुंची हुई। कोई किसी ते यकीन करन लई तैयार नहीं। जिहड़े कहिंदे असीं संत जरनैल सिंह दी गोदी दा निंग बाणिया, वो बड़े होशियार लोग सी, उन्होंने बादलों की भी गोदी का निग माणिया। कि 1925 दे विच श्रोमणी कमेटी बनी, 1925 दे विच RSS बनी। श्रोमणी कमेटी दे बनन दे पिछे गुरद्वारा सुधार प्रबंध सुधार लहर का संघर्ष, उस दे पिछे राम सिंह कूका लहर का संघर्ष, उस दे पिछे 40 साल महाराजा रणजीत सिंह का राज सी, उस दे पिछे 100 साल साड़ी मिसलां की लड़ाई सी, उस दे पिछे 10 पातशाहियों का साड़ा अपना जीवन सी। जिहड़े इन्ने लंबे प्रोसैस चों निकल के आई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो अज अपना वजूद गवा बैठी। तो जिहड़े एक बंदे ने एक अहद लिया सी कि मैं इस खिते दे लोगों को फिर गुलाम बनावांगा तो फिर मनु की स्मृति लागू करांगा, वो देखो ऐलान करता है इस खिते दे लोगों हिंदू राष्ट्र बना के वो गुलाम करना। सो सानू आत्म चिंतन की लोड़ है कि साढ़े तो कित्थे कोताहियां हुई ने, साडे लीडर ने कित्थे गलतियां कीतियां ने। जुगो जुग अटल बाणी के बोहे चवर तखत दे मालक प्रतख सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजिरी जुड़ बैठे साध संग जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत ही वधिया उपराला है मन साहब का, एकता तो वड्डी कोई चीज़ नहीं है और अज एकता तो वड्डी होई होर जरूरत नहीं है। जिस हालात विच पंजाब अते पंथ गुजर रहा है, लीडरशिप का तो जिवें अकाल पिया होया ही है, बेभरोसगी जिहड़ी है साडी वो भी बहुत चरम ते पहुंची हुई। कोई किसी ते यकीन करन लई तैयार नहीं है। पिछे लगन की गल तो दूर, कोई नाल चलन की गल तो दूर, पिछे भी नहीं कोई लगना चाहता किसी। इसलिए इन्हां हालातों विच काम करना किसी वड्डे हौसले नाल कीता जा सकता है, किसी वड्डे हौसले नाल ही इहो जे सद्दे दित्ते जा सकदे ने। और मन साहब तो लगातार इस खेत्र दे विच ये कोशिश करते आ रहे हैं। तो साडियां कालियां दाड़ियां सीगियां जदों असीं इस फील्ड विच आए सी, ते मेरे ख्याल 1999 तो बाद असीं आ सारे जिन्ने क नाम बोले गए ने, जिन्ने क लीडरशिप इत्थे बोले ने बुलारे, ये सारे विरोधी धिर दे विच रहे ने। इन्हां कदी किसी सरकार का निग नहीं माणिया, किसी ने बादलों की गोदी का निग नहीं माणिया। जिहड़े कहिंदे असीं संत जरनैल सिंह की गोदी का निग माणिया, वो बड़े होशियार लोग सी, उन्होंने बादलों की भी गोदी का निग माणिया। इसलिए साडे लई एक बहुत वड्डी चुनौती है अज दा इह समां जिस हालात विच असीं पहुंचे हैं। मैं 2 मिनट तुहाडे लैणा चाहांगा कंपैरिजन करन वास्ते कि 1925 दे विच श्रोमणी कमेटी बनी, 1925 दे विच RSS बनी। श्रोमणी कमेटी दे बनन दे पिछे गुरद्वारा सुधार प्रबंध सुधार लहर का संघर्ष, उस दे पिछे राम सिंह कूका लहर का संघर्ष, उस दे पिछे 40 साल महाराजा रणजीत सिंह का राज सी, उस दे पिछे 100 साल साड़ी मिसलां की लड़ाई सी, उस दे पिछे 10 पातशाहियों का साड़ा अपना जीवन सी। जिहड़े इन्ने लंबे प्रोसैस चों निकल के आई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो अज अपना वजूद गवा बैठी। तो जिहड़े एक बंदे ने एक अहद लिया सी कि मैं इस खिते दे लोगों नूं फिर गुलाम बनावांगा तो फिर मनु की स्मृति लागू करांगा, वो देखो ऐलान करता है इस खिते दे लोगों नूं हिंदू राष्ट्र बना के वो गुलाम करन दा। सो सानू आत्म चिंतन की लोड़ है कि साडे तो कित्थे कोताहियां होईयां ने, साडे लीडरां ने कित्थे गलतियां कीतियां ने, ते अज असीं उन्हां गलतियां तो सबक सीखे असीं अगे किवें वधना है। समां अगे वधन की मंग करता है, तो राजनीति ही इस दा हल है। पंजाब विच पंथ राजनीति खड़ी करन दी लोड़ है, पंथ परस्त राजनीति खड़ी करन दी लोड़ है, प्रो पंजाब राजनीति खड़ी करन दी लोड़ है, जिस लिए उपराले होने चाहिए ने। ये सारी चीज़ां जिहड़ियां इहदे विच आ जाणगियां। दास आप जी वल्लों जिहड़ा समां दित्ता उहदे लई धन्नवाद। तुसीं सारे जिहड़े इत्थे जुड़ बैठे अपना अपना समां कढ के आए, तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। मन साहब दा एक बार फिर धन्नवाद जिन्हां ने उपराला कीता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।